जो कोई नहीं कर पाया वो विराट ने कर दिखाया। 500 मुकाबले में शतक ठोक इतिहास रच दिया। ऐसे प्लेयर ही ग्रेट बनते हैं जो विराट कोहली ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एक्सीलेंट 100, मजा आया देखने का। विराट कोहली की जिन्होंने अपना 500वां इंटरनेशनल मैच खेला है और उसके साथ साथ सेंचुरी भी बना दी है। तो जब कोहली ने शतक लगाया, ये शतक उनके इंटरनेशनल करियर का 76वां शतक था, जिसके बाद विराट कोहली भी भावुक दिखे क्योंकि उनका ये शतक 500वें इंटरनेशनल मैच में आया। इसी के साथ जब शतक पूरा हो गया तो मैच के बाद एक खिलाड़ी की माँ विराट कोहली से लिपट गई और रोने लगी, उन्हें जिसमें विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। ये विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय करियर का 500वां मुकाबला था, इसीलिए ये शतक भी खास हो जाता है। और इसी के साथ विराट कोहली ने ये शतक बनाते ही कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। इस वीडियो में आपको वो तमाम रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जो 90 के दशक में गाना आया था, देर लगी आने में तुमको पर शुक्र है फिर भी आए। तो विराट कोहली के अगर आप फैन हैं तो इस गाने को आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि 55 महीनों के बाद विराट कोहली ने अपने 500वें इंटरनेशनल मैच में इतिहास रचते हुए शतक ठोक दिया। 1608 दिन बाद विराट के बल्ले से निकला शतक। शतक ठोकते ही सचिन, एबी डिविलियर्स, पोंटिंग सबको पछाड़ दिया। मतलब इससे बड़ा मंच क्या हो सकता था कि आपका 500वां इंटरनेशनल मैच है और अब तक जितने भी खिलाड़ियों ने 500 इंटरनेशनल मैच खेले उनमें से किसी भी खिलाड़ी ने ना अर्धशतक और ना शतक ठोका है, और ऐसा करके विराट कोहली ने आज बहुतेरे कीर्तिमान स्थापित कर दिए। वैसे विराट कोहली शतक मारे ये सिर्फ इंडियन फैंस नहीं चाह रहे थे, वेस्ट इंडीज वाले भी चाह रहे थे। विकेट कीपर उनके जोशुआ लिटिल, वो विराट कोहली कान में धीरे धीरे कह रहे थे कि यार आप शतक मार देना, मेरी मम्मी जो है वो आपको एक्सक्लूसिव देखने आई है। विराट मुस्कुराने लगे। विराट बोले, मेरे रिकॉर्ड से तुम ऑब्सेस क्यों? मैंने कहा फैन हूं मैं आपका। मम्मी ने कहा कि स्पेशली मैच देखना है और आपको देखने के लिए, तो आपको बल्लेबाजी करना देखना मेरे लिए सुखद है। ये विराट कोहली का स्टैंडर्ड है, ये विराट कोहली का स्तर है और ये विराट कोहली की बात है। और शायद यही वजह है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी तुरंत अपने इंस्टाग्राम पर लिख दिया कि भैया एक और दिन एक और शतक, मतलब कमाल का आदमी है, कमाल का आदमी विराट कोहली। और इस कमाल के चलते ही मोस्ट रन WTC में, मोस्ट रन फॉर इंडिया 2023 में, फास्टेस्ट खिलाड़ी 76 शतक मारने वाले और पहले खिलाड़ी 500वें मैच में किसी ने शतक नहीं ठोका था, तो ये एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। पर शतक नहीं ठोका था, हालांकि विराट अनफॉर्चुनेट रहे, मतलब जिस तरह से वो आउट हुए, आउट होना थोड़ा सा पेनफुल था, हमें लगा था शायद थोड़ी और बल्लेबाजी करेंगे लेकिन रनआउट होकर वो जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। जोसेफ ने उन्हें रनआउट किया, रनआउट होने के पहले 121 रन बनाए थे विराट ने। और अब विराट कोहली फुल फॉर्म में आ चुके हैं, इसको कहने में हमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी आखिरी 5 पारियों को आप देखेंगे तो ये बेहतर निकल कर आई है। और ये टीम इंडिया के लिहाज से बहुत सुखद है कि आपके 2 प्रीमियम बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों फॉर्म में लौट रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत अच्छा है क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में कंडीशंस उनको सूट करने वाली, और अगर ये दोनों फॉर्म में आ गए तो चाहे जो टीम होगी यार ये उसका भरता बना के रख देंगे। मतलब इन दोनों के अंदर वो काबिलियत है कि सामने वाली टीम को भूसा भर देंगे, इन दोनों का कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है। लेकिन विराट कोहली ने इस मैच में 121 बनाए, पिछले मैच में 76 बनाए थे पारी में, उसके पहले 49, 14 और उसके पहले अहमदाबाद में 186। हालांकि विराट अगर 195 बना लेते तो विराट कोहली का जो टेस्ट एवरेज है वो 50 का हो जाता। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद जब टीम इंडिया वापस अपने होटल के लिए रवाना हो रही थी तब एक अजीब पल देखने को मिला, क्योंकि एक खिलाड़ी की मां विराट कोहली से लिपट कर रोने लगी, भावुक हो गई, पहले गले लगाया फिर किस भी किया। जी हां, ये एक मां के लिए विराट से मिलने का सबसे शानदार पल था। दरअसल ये माँ कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जोशुआ डिसिल्वा की थी, जो विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे विराट से वो मिली, गले लगी, जोर से झप्पी दी, भावुक दिखी, आंखें भी नम थी। विराट कोहली भी जोशुआ की माँ से मिलने के बाद काफी खुश थे। विराट ने उनका स्वागत किया, सम्मान दिया और मुलाकात के बाद बस में जाकर बैठ गए, जिसके बाद जोशुआ की माँ काफी इमोशनल दिखी। जब जोशुआ की माँ से विराट से मुलाकात पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मैं और जोशुआ दोनों ही विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। हमें लगता है कि वो सबसे बेस्ट बल्लेबाज हैं। हमें गर्व है कि विराट हमारे यहाँ खेलें। मैं विराट से मिलकर बहुत खुश हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। विराट ने मुझसे मिलकर धन्यवाद किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि ये एक महज इत्तेफाक था। जोशुआ की माँ पोर्ट ऑफ स्पेन सिर्फ विराट को देखने और मिलने ही पहुंची थी। आपको बता दें कि स्टंप माइक पर जोशुआ और विराट की बातें कैद हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया मीडिया का जो रिएक्शन है
विराट कोहली को लेकर वो बहुत अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि पाकिस्तान में भी जितने फ़ैन हैं उनके उतने ही इंडिया में हैं, और इंडिया में तो होने भी चाहिए क्योंकि वो इंडिया का प्लेयर है, और पाकिस्तान में भी उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, जो कि वो अक्सर लोगों का आप लोगों ने देखा होगा कि वो स्टेटस लगा के रखते हैं, तो वो विराट कोहली का ही होता है। विराट कोहली ने जो है वो बहुत ही अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया, उनका 500वां मैच था आज जिसमें उन्होंने अपना जो है वो शतक पूरा किया है। उसके बाद जो है उन्होंने डीए सिल्वा की जो है मदरसे भी मिले हैं और उनसे बातचीत की है, जिससे जो है ये साफ जाहिर होता है कि जो विराट कोहली हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना शतक पूरा किया, और ये बहुत अच्छी बात है। 76 इनके जो हैं शतक कंप्लीट हो गए हैं, जबकि रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल नज़दीक हैं, क्योंकि टेंडुलकर इंडिया के वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने जो है वो 100 शतक पूरे किए हुए हैं, और विराट कोहली